अरे बाबू अब बनाए क्या तेरा? ये क्या अपना नाश्ता लेके आई है तू? पराठा लेकर आई है। अरे तू भी बना तो रहे थे तेरा यहाँ पे? दूसरे तरीके से बनाते हैं। दूसरे तरीके से क्या? लात से आटा गूंथते हो है? तो आज पार्लर वाली दीदी ने पकड़ लिया है मुझे और मैं करा रही हूँ बालों को स्ट्रेट। तो बस थोड़े रफ हो गए ना इसलिए। तो आज का दिन भी हम बहुत सारा पार्लर का काम करने वाले हैं घर पे। तो पहले जस्सू ने कराई वैक्सिंग और फिर आई बारी मेरी। तो गाइस आज है ना मोनू हम सबकी वैक्सिंग कर रही है, थ्रेडिंग कर रही है। थ्रेडिंग तो नहीं कर रही ना मैं, और क्या क्या कर रही है। और इसके ना आज मैं हेयर कट करूंगी, दिखा। तो मम्मी की ना बैक की वैक्सिंग कर दी है मोनू ने, वो हम आपको दिखा नहीं सकते थे। लेकिन मोनू आछामा कैसे कर रही थी वैक्स लगा के? मम्मी को इतना गरम लग रहा था ना गाइस। हाँ, और आज है ना जस्सू के मोनू राम रे। और ज्यादा नहीं ट्रिमिंग करनी है ना बस। हाँ तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसा ट्रिम करेंगे। देखो आप कैसे हो रहे हैं। और अभी पहले मैं करा रही हूँ अपनी वैक्सिंग, इसकी कर दी है भारती ने, सॉरी मोनू ने इसकी वैक्सिंग कर दी है। देखो तो हमें ना पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये पाउडर आप लोग को याद है ये कब एक्सपायर हो गया था बहन? 16 में। ये 2016 में एक्सपायर हो चुका है। 11 में हमने इसको खरीदा था, लेकिन हमने कहा कि याशी का पाउडर है ये, याशी के बच्चों को भी हम लगाएंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम हमेशा लगाते हैं ना, मुझे साथ साथ से और खींच रहे हैं। हे गाइस वेलकम टू द व्लॉग। तो आज हमारे घर में खुला हुआ है पार्लर, क्या क्या हो रहा है चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी वैक्सिंग हो रही है अब, तो फटाफट से। वैसे गाइस अगर आपको सच बताया जाए तो हाँ मोनू बहुत गर्म है, बहुत गर्म सच में। क्या फिर क्या कैसे आगे पीछे घूम रहे? फिर बदला ले रहे। तो यहाँ पे मेरी वैक्सिंग हो चुकी है, डन। तो गाइस मोनू है ना अपनी, यहाँ तो पंखे की हवा की आवाज आएगी, अपनी वैक्स खुद ही कर लेती है। और ये कौन सी वैक्स है मोनू? व्हाइट चॉकलेट। तो मोनू ये डब्बा कितने का आता है? 100 रुपए का। और इसमें कितनी वैक्स हो जाती है? पूरी बॉडी की? अरे लोगों की बताना, हाथ पैर की और अंडर आर्म्स की, फुल बॉडी वैक्स हो जाती है। ये तो भाई अपनी अपने आप ही कर लेती है लड़की। मम्मी कैंची है, कोई खुंडी कैंची है, इसके बाल काटूंगी। नहीं नहीं चाकू है, चाकू से कट जाएंगे। काट देंगे तो चाकू से भी काट दूंगी, मेरा टैलेंट तूने देखा कहा है। जलाना तो फायर वाला भी काट सकती हूँ मैं, वो जो फायर कटिंग मिट्टी का तेल है। फायर कटिंग भी करती हूँ मैं, ला फायर कटिंग कर दे। ए मोनू ये खरबूजा का, इसको वैक्स ही खत्म आ जाए ना भाई, ये ले। इसका अभी तक वैक्स नहीं खत्म हो रखा गाइस, हमारा कब का हो चुका है। चल तू आ जा। बाल ही नहीं है शरीर में, मेरे को बोल रहा हूं। किसके? गाइस को बता, गाइस के एक मिनट रुक जा। गाइस को ये बता मेरा कितना स्ट्रिप्स लगा, ये 2 बस 2। और बाल ना ये ढूंढ रही थी इसमें, ऐसे ढूंढ ढूंढ के दिखा रही थी कि हाँ है, दिखा दिखा दिखा, इस तरह से तो मेरे बाल है ही नहीं। लो मम्मा मुझे दे देंगी कैंची। तो चल ना तू वहाँ बाहर बैठ ना, अंदर थोड़ी काटूंगी, बाहर बैठ के काटूंगी ना। मोड़ा लगा, सेटअप तैयार कर। सब लोग मेरे इंतजार में बैठे रहते हैं, किसी को बाल बनवाने होते हैं, कटवाने होते हैं, किसी को आईब्रो बनानी होती है। फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, कहावत सुनी मम्मी आपने? फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। ओ चंदन भयंकर, ये क्या है ये? लाओ वो दे दो। अरे तो ये देखो गाइस इस कैंची से कटाई थंबनेल चाहिए हमें। इधर आ, बाल अच्छे हैं। इधर आ, इधर देख, ऊपर देख, इस कैंची से कटेंगे इसके बाल। तो भाई सही है, अभी अच्छे लग रहे हैं। चल चल आ जा। मम्मी की तेरे को आदत है क्या पूरा वैक्स कर? आज तो मजे से बाल काटूंगी, मजे से। बहुत दिन बाद शिकार आता आया है मेरे, आज तो जी भर के बाल काटूंगी। मम्मी मोड़ा लगाओ ना, टेढ़ा मेढ़ा वाले, वही तो कह रही मैं। तो गाइस आज आएगी हिट ब्लॉग कटिंग की, कैंची और हेयर स्टाइल ऐसा बनाऊंगी ना जैसे तू अपने बाल पहचान नहीं पाएगी। वैक्स ले स्प्रे नहीं है गाइस अपने पास, ये मम्मी आपको बनाना पड़ेगा ब्लॉग, ऐसे नहीं बन पाएगा ऐसी।
बाप रे बहुत सफेद बाल हो गए इसके यार। मम्मी अभी तो वही रहो, अभी मैं बताती हूँ, देखो बाप रे बहुत सफेद बाल चपाई इसको तो। मम्मी देखो तुम तो पूरी पूरी है जी। मैं कुछ नहीं बोल, एक साल दो साल तो बढ़ी है मुझसे, अभी तो तू 40 की भी ना हुई। सही बात। अब आओ मेरे पीछे दिखाओ लोगों को पहले इसके बाल कैसे थे और आफ्टर कटिंग कैसे कर दूंगी मैं। ऐसे ढंग से दिख रहे हैं ना, कैसे कर दूंगी मतलब क्या तू देखती जा मेरे हाथों का खेल। एक साल से किसी के बाल नहीं काटे मैंने, खून है मेरा हाथों में। बेचारी तेरा पसीना गया। व्हाइट होंगे नहीं, काले बाल कम छ व्हाइट ज्यादा छ। डाई का ऐड कर रहे हो क्या? डाई का क्या ऐड कर रहे हो, सारे बाल सफेद हो रखे हैं। रुको ना मम्मी, बस फिर इधर से आधा करके ऐसे पहले यहाँ के कट करेंगे एंड फिर इसको नीचे लाएंगे। तो इस तरह से देखो, पहले इस तरह से दिखा ऊपर कर इसको जैसे। अरे छोड़ ना, ऐसी नहीं लग रही है, जाने वाली लग रही छोटी सी। तो इस तरह से ना हटा, अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है, मतलब कैसी लग रही है, पांडा जैसी। काट यार जल्दी, मम्मी छोड़ दो ना, अभी मैं ब्लॉग बना, छीट छीट ना क्या करो, जैसे दिखा ना मैं तभी तो पार्टीशन दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने यहाँ से पार्टीशन कर दिया है और देखो अभी बस पहले इस तरह से अब मैं कट करूंगी, थोड़े से काटूंगी, थोड़े ही काटूंगी, मतलब भी कोई शौक से ना किसी को बाल उड़ाने को, जहाँ तक पतले होंगे वहीं तक तो काटूंगी। भगवान को हाजिर नाजिर जानकर तेरे बाल उड़ाने जा रही हूँ। कंडो सीधे कर ऐसे। अब बारी है मोनू की। गाइस थोड़ी सी मैं कटिंग कर चुकी हूँ लेकिन इसके बाल ना बहुत ज्यादा रफ हो रहे हैं। क्या कराया था तूने, बोटॉक्स? मम्मी लो बोटॉक्स। सही कट रहे हैं इसको, ज्यादा नहीं काटे, रुक। सर्कस देखने, क्योंकि आज सब बच्चों का सर ही दिखवा रहे हैं, मार दूंगी खींचके इन-लॉज के घर। मम्मी कितनी बदतमीज है, रख देखना क्या है उसने, सर्कस देखने जा रही हूँ इन-लॉज के घर। क्या बोला? अच्छा मैंने ये बोला मम्मी, मैंने ना इन्होंने आज करो ना, क्या बोला मैंने ऐसा, चावने भी सुन लिया सच में यार। I'm sorry। तो गाइस बदतमीज तुम लोग, इन लोगों को कैसे हंसी आ रही, मम्मी बोली तूने गलत बोला। तो गाइस मैं जा रही हूँ अपने इन लॉज के साथ सर्कस देखने। अम्मा था सब सही बोला ना, उनके लिए सही बोला, तो मैं वहां जा रही हूँ। चुप रहो भाई, अब सर्कस देखने जा रही हूँ, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ
और सब लोग तो वहाँ पहुंच जाएंगे और मैं यहाँ से जा रही हूँ घर पे अब। तो इस व्लॉग को तो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई डोंट नो कितनी छोटी कितनी बड़ी बनी है, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग वहाँ सर्कस से बनाऊंगी। आप लोग भी देखना सर्कस में मैंने क्या देखा। तो बस अनुभवी कैब कर देंगे तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी उन सबके पास, फिर हम लोग वहाँ से जाएंगे सर्कस के लिए। तो चलती हूँ और मिलती हूँ कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक वेरी गुड, जोर से बोल देना जय माता दी। तब तक लव बॉल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहे आप सब, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मिलती हूँ कल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, तुम दोनों गाली खाने वाले हो मेरे से, रुक जाओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। Have to stay afloat, it's nicer. Be a person you don't want. Can somebody?